और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। आज से दो दिन के दौरे पर अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं, जहां आज मिदनापुर में अमित शाह जमकर बरसे। शाह ने ममता बैनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जल्द ही ममता अकेले पड़ने वाली हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के जितने भी अच्छे नेता हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और बीजेपी 200 के पार 2021 के विधानसभा चुनावों में सीटें जीतने वाली है। सुनिए गृहमंत्री अमित शाह को। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा छोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था? आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं, आपको दल बदल लग रहा है दीदी? मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का, मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए मित्रों, पॉकेट। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा, सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच हो। ममता दीदी, शर्मानी चाहिए आपको, शर्मानी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए हैं, इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो दीदी, तक आवाज जानी चाहिए। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए, आवाज बंगाल की जनता की आवाज है। मित्रों, मैं आज ज्यादा बात करना नहीं चाहता, आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल के किसान की समस्या का हल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, बंगाल के मजदूरों का समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, बंगाल के अंदर आए दिन बम धमाके होते हैं, इसको बंद करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसलिए चुनाव तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए काम कर